इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ का पहला प्रश्न है, निर्गुण भगवान सगुण भया क्यों? और भया तो भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन है? भगवान ने कहा, भोलेनाथ ने, देवी वैसे तो राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुन तदपि संत मुनि वेद पुरा जस कछु कह स्वमति अनुमा तस्मै सुमुख सुनाव तो समुझि परै जस कारण मो। राम जी वैसे अतर्क हैं, राम जी को तर्क से नहीं जाना जा सकता, है तो हैं। भजन के प्रभाव से राम जी जिसको जनाना चाहेंगे वही राम जी को जान पाते। भजते तो बहुत लोग, भाव सबके अलग अलग अपने। संत मुनि वेद पुराण ऐसा कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुमान लगा के कहते, तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहे सुमति अनुमान तसमय सुमुख सुनाउ तो समझि परै जस कारण मो। जैसा वो लोग कहते हैं, संत भगवान, मुनीश्वर, पुराण, वेद भगवान, और उनका सुनकर जैसा मुझे समझ में आया वो मैं सुनाता हूं। क्या समझ में आया? अतु जब जब हो धर्म के हानी पारिया सूर्य अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहि परनी
भगवान के अवतार का कारण क्या बताया बाबा ने, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी कर ही अनित वर्णन नहीं होता, सीधे ही विप्र धेन सुर धरनी, ये भगवान के पांच मान बिंदु हैं, श्रद्धा केंद्र हैं, संत ब्राह्मण गौ माता देवता और पृथ्वी, ये भी ध्यान रखिएगा। धर्माचरण, धर्म में जीवन क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, ये धर्म के बल से ही खड़ी है। धर्म धारण नहीं करेंगे, धर्म में जीवन नहीं जिएंगे, तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गांव में जब लोग गुस्से में होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान अब रहने लायक नहीं है, हे धरती माता फटो हम समाएं। इतना कष्ट जब महसूस होता है जीव को, तो वो धरती माता से प्रार्थना करता है। भरत भूमि रह रावुर राखी, प्रभु कहते हैं हे भरत जी, आपके द्वारा आपके धर्म में जीवन से ही यह धरती टिकी है, और नहीं, हमारे जीवन में जब धर्म आचरण रहेगा तो अधर्म कब तक गतिमान रहेगा। इसलिए हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। धर्म एक शाश्वत सत्ता है। कई लोग ऐसा मानते हैं, जो अधर्मी लोग होते हैं, जो अनाचार में रहते हैं, बुराई करते हैं, वो तो बहुत सुखी रहते हैं, और हम धर्म करके भी बहुत दुखी रहते हैं, ये संभव नहीं है। आप देख लीजिए, यदि अधर्म की सत्ता ही सर्वकाल रहती तो अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ता। अधर्मी बहुत कम है, उनकी संख्या हर युग में थोड़ी ही है, परंतु उनका उत्पात इतना अधिक है कि वो धर्म के सन्मुख अधिक ही जान पड़ते। बाढ़ ही अधम, धर्म को न मानने वाले का नाम है अधम। अभिमानी, मैं सही और तुम गलत, ये अभिमान। मैं सही, ये अभिमान, और अभिमान भगवान का भोजन है। हमारे जीवन में यह बात बड़ी शाश्वत और सहज हो, बड़ी सहज, सिंपल, सरल। तो अधम अभिमानी, इनकी संख्या थोड़ी है, उत्पात अधिक होता है। और जब इन पांच मान बिंदुओं को, एक संत भी है इसमें, कलेश होता है, त्रास मिलता है, प्रकृति से प्रवृत्ति होकर, तब धरती घबराती है, फिर परमात्मा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा सजन पीरा। तब तब प्रभु भगवान असुरों को मारते हैं, देवताओं का स्थापन करते हैं, अपने वेद में बताए पथ पर रुकावट आए, जल प्रवाह पर पुल बंधन करते हैं,
राखहिं निज श्रुति से। जगत में जग विस्तार ही विशद जस, यही राम जन्म करे। जगत में भगवान अपने यश का विस्तार करते हैं और भक्तों को नाना विधि देखिए 14 मनमंत्र है और 14 मनमंत्र के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग इंद्र हैं, अलग अलग सप्तर्षि हैं, अलग अलग पितृदेव हैं। शास्त्र की चर्चा हो जाएगी। जिस प्रकार हम आप जी रहे हैं इसी प्रकार सहज ही जीते चलिए। जगत में किसी व्यवहार से किसी के दुखी होने का कार्य नहीं है। दुखी होना सुखी होना मनस्थिति है। हमारे मन को हम समझा लें तो सुखी, मन ने अस्वीकार कर दिया तो दुखी। मन को संभालना बहुत कठिन है। इसको क्या बुरा लग जाए पता ही नहीं चलता, क्या अच्छा लग जाए ये भी पता नहीं चलता। लेकिन सुख दुख इसी में है। मन ने स्वीकार कर लिया सुखी हो गए, मन ने अस्वीकार कर लिया तो दुखी हो गए। स्थिति एक है, परिस्थिति एक है। स्वीकार अस्वीकार का नाम है सुख और दुख। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।